बच्चों, जो आप हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, क्या उसका आउटपुट हुआ। तो बच्चों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग जानते हैं 1789 में अकर्ड हुआ। रीजन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि फ्रांस की सोसाइटिक रीजन क्या थे, पॉलिटिकल रीजन क्या थे, इकोनॉमिकल रीजन क्या थे, ठीक है। और ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोसाइटिक रीजन ये थे कि वहाँ की सोसाइटी तीन ग्रुपों में बटी हुई थी, क्लर्जी, नॉबल एंड कॉमन पीपल। क्लर्जी और नॉबल लोगों के पास पूरे राइट थे, जबकि कॉमन पीपल के पास कोई राइट्स नहीं थे। कॉमन पीपल लिव्स लाइफ ऑफ द स्लेव, वो जस्ट लाइक एज ए स्लेव की जिंदगी जीते थे, उनके पास कोई राइट नहीं था। तो इस वजह से कॉमन पीपल के साथ तो वहां पर सारे टैक्सेस कॉमन पीपल को ही देने पड़ते थे बच्चों। तो ये सोसाइटिक रीजन था। पॉलिटिकल रीजन यही था कि कॉमन पीपल के पास कोई राइट नहीं था, सारी पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल पावर जो थी वो क्लर्जी और नॉबल ग्रुप के पास ही थी। कॉमन पीपल एक कॉमन ठीक है एक स्लेव की लाइफ जी रहे थे। एंड एक फाइनेंशियल रीजन दैट मोस्टली जो फाइनेंशियल पावर थी, जो मोस्टली इकोनॉमी थी, वो क्लर्जी और नॉबल लोगों तक ही सीमित थी। ये रीजन्स आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड हुआ, बस इम्पोर्टेंट इतना बेटे ये क्यों हुआ, ये सब चीजें यहाँ नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना कि 1789 में हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड इन 1789 में हुआ था, ये डेट आपको याद रखना है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटपुट क्या थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में क्या हुआ, क्या आउटपुट निकल कर किया, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें नेशनलिज्म पढ़ना है कि नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, बस ये पढ़ना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, कि कब वर्सायल्स जेल तोड़ी गई, कब क्या नाम से बेटा कोर्ट टेनिस कोर्ट की जो ओथ थी वो क्या हुई, फिर किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, किसको किस बुलेटिन से काटा गया, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना में याद रखना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन लुई 16th के समय हुआ। लुई 16th के इसको याद रखना है कि लुई 16th के समय हुआ। लुई 16th के समय 1789 में हुआ। फिर इसके बाद फ्रांस को बच्चों एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च कंट्री में कन्वर्ट किया गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो बेटा इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी याद रखना है। इक्वलिटी कहा जाता है एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहा जाता है ब्रदरहुड को, बेटा सब लोग भाई हैं, कोई मतलब लोअर कोई अपर, कोई स्लेव, कोई ओनर, कोई मास्टर, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट नहीं है। एवरीवन इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, सभी भाई हैं। और लिबर्टी मतलब पर्सनल फ्रीडम, हर बंदे को अपनी फ्रीडम है, चाहे इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो और फाइनेंशियल हो, कोई इकोनॉमिकल हो, तो हर बंदे के पास अपने अपनी फ्रेटर्निटी, वो अपनी लिबर्टी है, अपनी आज़ादी है। वो आज़ादी कहाँ तक है, वो अंडर लॉ ही है, अंडर लॉ के आउट ऑफ लॉ नहीं है कि एक बंदे की आज़ादी वहीं से ख़त्म हो जाती है, कहाँ से कहा जाता है, जहाँ से दूसरे की आज़ादी स्टार्ट होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की खासकर कंट्रीब्यूशन है इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये तीन वर्ड याद रखना है। इन तीनों का मीनिंग याद रखना है कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। और फिर इसके बाद हमें बेसिक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट याद रखना है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के बाद बच्चों हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि व्हाट इज हमारे इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। और आफ्टर दैट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1789 में एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड हुआ, और एट दैट टाइम्स जो किंग थे, किंग ऑफ फ्रांस बच्चों वो कौन थे, एट दैट टाइम द किंग ऑफ द फ्रांस वाज लुई 16th, मेरी एंटोनिया हुज वाइफ। तो बच्चों फ्रांस को पहले एक, जब फ्रांस का रिवोल्ट हो गया तो फ्रांस को बच्चों एक डेमोक्रेटिक कंट्री, डायरेक्ट एकदम रिपब्लिक कंट्री नहीं कन्वर्ट किया गया, फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च में कन्वर्ट करने की प्लानिंग किया गया वहाँ के लोगों को, क्योंकि वहाँ के लोगों को अपने राजा से भी काफ़ी अटैचमेंट था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेटिक मोनार्च, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च चाहते हैं, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, जहाँ पर डेमोक्रेसी भी होगी और जो ओरिजिनल पावर होंगे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होंगे, और जो रियल पावर होंगे वो जो मतलब वो रियल या ओरिजिनल पावर जो होंगे वो इलेक्टेड बॉडी के पास में होंगे, और जो किंग होगा वो नाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च के रूप में बना रहेगा। लेकिन बच्चों जो लुई 16th थे और जो मेरी एंटोनिया थी उनको ये बिल्कुल नहीं पसंद था, इस वजह से वो, क्योंकि मेरी एंटोनिया बेटा फ्रांस से, वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी, इस वजह से वो ऑस्ट्रिया जाना चाहते थे और ऑस्ट्रिया की हेल्प से फिर से फ्रांस को एक एब्सोल्यूट मोनार्ची में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो इस वजह से जब उन्होंने भागने का प्लान किया बच्चों, तो उन्हें पकड़ा गया बाद में, और फिर 1791 में उन्हें
गुलेटिन नाम की मशीन से काटा भी गया था, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ वो बाद में फिर बेटे 1791 के बाद में फ्रांस एक जैकोबिन क्लब के कंट्रोल में आता है, रोबोस्फेयर के कंट्रोल में आता है और रोबोस्फेयर के रूल चलता है और फिर वो टाइम ऑफ या रीजन ऑफ टेरर बनता है कि वो जिनको भी अब लगता है कि वो उनको अपोज कर रहे हैं उनको भी वो गुलेटिन से कटवा देते हैं और एट लास्ट में वो खुद भी गुलेटिन से काटे जाते हैं और फिर जा करके 1799 में पावर फिर से कैप्चर की जाती है बाई नेपोलियन। तो नेपोलियन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सिविल नेपोलियनिक कोड ऑफ नेपोलियन 1804, सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड इसे नाम से दिया जाता है, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो बस शॉर्ट में बेटे इतने ही रहेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेशनलिज्म का मतलब, ये दो चीज़ें मैंने समझाया। इसके बाद फिर अगले के वीडियो से हम लोग बेटा इस चैप्टर को प्रॉपरली कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।